गुड इवनिंग लर्नर्स, वेलकम टू शिक्षाशास्त्र। लर्नर्स, पेडागोजी आम मॉक टेस्ट करुले एम सिक्यू सीरीज करुले आपंकर रेगुलर हाईस्कल टीचर मेन्स एग्जाम जो थे आम आपर चबिशा सीरीज कम्प्लीट कर सारीचे। यहाँ आप सीरीज नंबर 25 जो थे आम आहरी 20 क्वेश्चन डिस्कसन करवा तार एक्सटेनसन करवा आपण मैंने केतटा क्वेश्चन करेक्ट आंसर दौरान मतलब कमेंट बक्स जनइबे। सहित आपण मैंने प्रीमियर आसी लाइव आसिक मत तुम्हें कमेंट बक्स पचारिपार लाइव पचारिपार मुझक से कमेंट बक्स आंसर देव ट्राए करी जहाँ जो डाउट रहा तुम मैंने डाउट क्लीयरेन्स किसी परिमाण में कर पिले आउ रहा पे बहुत कहते कि सर आसेसमेंट सेक्शन रु बहुत सारा डाउट रोचे आप आसेसमेंट रु किसी अधिक क्वेश्चन कभर करूँ तो आम ये चार पाँचा सीरीज एवं कंटिन्यूसली करा से आपंकर आसेसमेंट मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राए करा आम कभरअप करवा ठीक है पिले जहाँ जो डाउट रहा तुम मतलब पचारिपार क्लास सरला भी पचारिपार मुझे ट्राए करी तार आंसर तुम मानक दबापी। क्वेश्चन नंबर 1 प्ले व्हिच इज नॉट एडवांटेज ऑफ रेटिंग स्केल पिले रेटिंग स्केल रो कोटा कोटा आपनको लागुचे उपकारिता बा उपकार नुहे आधरु नॉट एन एडवांटेज ऑफ रेटिंग स्केल एटा आपनकर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पर्सनल बायस ऑफ द रेटर व्हिच इज कॉमनली रेफर्ड एज हालो इफेक्ट विल बी देयर जदि पर्सनल बायसनेस रहुचे जे रेटर जे तार तेल यहाँ आप गोटे आडभांटेज नुहे कारण जब पर्सनाल बायस से क्या अधिक मार्क देदेव क्या कम मार्क देदेव तेल कौन हम यादारा जो रेटिंग स्केल रो जो आम इवालुएसन करुचे से इंपैक्ट पड़े पिले यहाँ एच ए एल ओ पिले हालो इफेक्ट। हालो इफेक्ट कौन पिले हालो इफेक्ट आम कहे गोटे प्रकार वन टाइप हम बायसनेस कॉग्निटिव बायसनेस भी कहीपरेंगे जितेबाला आप गोटे पर्सन रोटे ट्रेट को आधार कर गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स को क्वालिटी को आधार कर होल पर्सन ओवरऑल पर्सनालिटी उपरे आपन जजमेंटा प्रोवाइड करुँचे कह प्रकार हालो इफेक्ट जमी एग्जाम्पल धरत आप भाव संतोष भल पेड़ा हो पढ़ाती हे तो से अनुसार आप जज कर संतोष जन भल मनुष्य होते मे भी मैंने भल मनुष्य होते पे नई पे मोर गोटे क्वालिटी कि मुझे भल पढ़ाए आपण मैंने कहते हे तो मुझे मो भर भल भाईटे नई पे मो मार भल पुओटे नईपे मो देशर भल नागरिकटे नईपे जमीन आप कहे विराट कोहली कथ कहु सचिन तेंदुलकर कथ कहूँ लता मंगेशकर कथ कहु अमिताभ बच्चन कथ कहु सचिन तेंदुलकर भल क्रिकेट खेला से जज कर भल मनुष्य होती है नुए आम ओवरअल जजमेंट प्रोवाइड करुचे गोटे ट्रेट बा गोटे क्वालिटी को नहीं सहीटा गोटे आम प्रकार हालो इफेक्ट यदि एमती हालो इफेक्ट जे रेटर पाखे रहा है यहाँ गोटे प्रकार डिसएडवांटेज कह रेटिंग स्केल रेणुक आपंकर अप्सन ये पिले कौन ना बी इज द करेक्ट आंसर पिले रेटिंग स्केल कौन आम रेटिंग स्केल कहीं यूज करुचे सर रेटिंग स्केल रे आमे कौन करुचु ना जजमेंट प्रोवाइड करुचु जेकोसी गोटे क्यारेक्टरिस्टिक्स हो जेकोसी गोटे आट्रब्यूट्स होकोसी गोटे फेनोमेनन इवेंट पर्सन उपरे आमे आमर वैल्यू जजमेंट को प्रोवाइड करुचु गोटे ऑब्जर्वेशन आम कलु जो गोटे पर्सन को इवेंट को गोटे प्रोसेस को ऑब्जर्वेशन कलु आम गोटे कौन करा सेट ऑफ ओपिनियंस दिगला से ओपिनियंस किसी डायमेनसन था आधार में आम आंसर टा प्रूव कलु आम रेट प्रोवाइड कलु आम ओपिनियन टाइम प्रोवाइड कलु जो थे आमको फ्लेक्सीबिलिटी मिलूला आम ऑप्शन प्रोवाइड करने चार पांचटा ऑप्शन थी आम पाखे आम कहे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस रो आम एग्जांपलटा देखते पिले ये आप बुझीपारे जो रेटिंग स्केल रे एवला रेटिंग स्केल बहुत प्रकार अच्छी एमती गोटे रेटिंग स्केल देखो जो थे आपन को सेट ऑफ ओपिनियंस रहा ए स्केल विथ सेट ऑफ ओपिनियंस ता सहित ये वैरिंग डिग्री ऑफ डायमेंशन आप रहा एग्री हो न्यूट्रल हो डिसएग्री हो आप लिक्विड स्केल जमी 5 फुट लिक्विड स्केल आम कह स्ट्रंगली एग्री एग्री अनडिसाइडेड डिसएग्री स्ट्रंगली डिसएग्री एमती बहुत सारा डायमेंशन थाए तो एमती आप सिंपल कहीपरेंगे कि सर रेटिंग स्केल हूँ एमती गोटे स्केल जो थे सेट ऑफ ओपिनियंस थी वैरिंग डिग्री ऑफ डायमेंशंस थी जेकोसी गोटे आट्रब्यूट्र तो कमें ऑब्जर्व कलापर आम रेटिंग ओपिनियन प्रोवाइड कर था सो वी आर पुटिंग आवर ओपिनियन और वैल्यू जजमेंट ऑफ एनी आट्रब्यूट्स यहाँ गोटे प्रकार स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन आम कहीपर क्वांटिटेटिव जजमेंट अबाउट क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स कहींपर आम ये आमको फ्लेक्सिबिलिटी दूसरे आम जजमेंट प्रोवाइड करने कारण बहुत सारा ऑप्शन आम पाखे अवेलेबल हो तो रेटिंग स्केल आप जानते तीन भारत कराए पे कौन कौन ना सर न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल जोटा कि नंबर द्वारा डिनोट कराए गोटे थी स्टेटमेंट से नंबर्स थी पे 1 2 3 4 5 एम सब नंबर न्यूमेरिकल
ग्राफिकल रेटिंग स्केल लाइन और सीरीज इंटरवल रे जेंति थिबो जेंति हम कहबा लिक्विड प्रोजो स्केल टा पिला सेटा रोटा बा एग्जांपल कर ना ग्राफिक रेटिंग स्केल रो स्ट्रांगली एग्री एग्री अनडिसाइडेड डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल रे टिके डिस्क्राइब फॉर्म रे पिला थिबो टिके एलाबोरेटेड फॉर्म रे थाय अपन करो तो रेटिंग स्केल रा मोटी क्वेश्चन पचला कोन पिले ना कोटा अधुर गोटे अपन करो एडवांटेज नुहे ताले रेटिंग स्केल रो कोन कोन एडवांटेज पिले रेटिंग स्केल आम बनाऊे से फ्रेम करिबारे स्कोरिंग करिबारे बहुत सहज एत कष्ट नुहे सहित जदि रेटिंग स्केल को चाहिए बहुत लार्ज पॉपुलेशन उपरे सहज एडमिनिस्ट्रेशन करी तो एक लार्ज सैंपल को ये कवरअप कर देखो ये मेनसन कर नहीं बहुत इजिली आपमिनिस्टर करेंगे इट्स इजी टू मेक एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग कम समय भितर आम यहाँ कंडक्ट कर स्कोरिंग इजिली यूज फॉर लार्ज ग्रुप जो कथा मुझे कहती बहुत सारा लोक मैं ये कवरअप कर रेटिंग स्केल रे अल्सो यूज फॉर क्वांटिटेटिव मेथड्स जेहेतु आम यहाँ न्यूमेरिकल कर जोटाक ग्राफिक रेटिंग स्केल डिस्क्रिप्टिव क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर मे अल्सो भी यूज फॉर असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट एटीट्यूड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स विभिन्न प्रकार एटीट्यूड जानापी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स जानापी रेटिंग स्केल व्यवहार करें यूज टू इवैल्युएट परफॉर्मेंस एंड स्किल डिफरेंट परफॉर्मेंस आउ स्किल कोटा चाहिए आम रेटिंग स्केल थ्रो इवैल्युएट करमी आपसे गोटे एटीट्यूड एग्जांपल दिखाँ केमी रेटिंग स्केल थ्रो करेंगे धरतु एवं आपं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा आसूसी स्मार्ट क्लासरूम कथा आसूसी सेमिस्टर कथा आसूसी मुझे देखा चाहिए पिला सेमिस्टर सिस्टम प्रति कौ भाया मत अच्छी तो मुझे कहली रेटिंग स्केल गोटे बनईदेली लिक्विड कर फाइव पॉइंट रेटिंग स्केल पिला दे पाला आटीट्यूडा कौन से मैंने शो करेंगे से रेटिंग स्केल पॉइंट करेंगे तो विभिन्न प्रकार आस्पेक्ट को आपंकर रेटिंग स्केल कवरअप करुच्छे दुई तीन टा कथा मन रखिपिले सर रेटिंग स्केल लार्ज ग्रुप को एकाथे कभर करहब कम समय भितर करहब इजिली एडमिनिस्टर करहब ठीक है पिले डिसएडवांटेज जो आपंकर पढ़ी था यही थ्रू ही पिला गोटे क्वेश्चन आसला आपंकर जो कॉमन सोर्स ऑफ एरर आपंकर रहला रेटिंग स्केल रे बेसिक जोड़ा में कौन एरर होउछे आपंकर रेटिंग स्केल कौन कौन एम्बिग्युइटी आम जो रेटिंग स्केल जो आइटम छोड़ा बनईचे जदि से एम्बिग्युइटी रहला जदि डबल स्टैंडर्ड क्वेश्चन छोड़ा रहला ताहले एटा गोटे प्रकार रिजल्ट को प्रभावित कर आटीट्यूड अफ द रेटर जे रेटर करुच्छे तार आटीट्यूड तार बायोसनेस अच्छे कि पर्सनालीटी अफ द रेटर हालो इफेक्ट आम एवं देखिले परीक्षा पड़ता पर्सनाल बायोसनेस आउ लॉजिकल एरर एगुटा है आपंकर कमन एरर्स जो एरर गुड़ाक रेटिंग स्केल को प्रभावित करुच्छे क्वेश्चन नंबर टू पिले एनेक्डोटल रेकर्ड इज कनसर्न विथ जो एनेक्डोटल रेकर्ड रहा क्या सी जड़ित आंसर ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट आज जानते सर एनेक्डोटल रेकर्ड गोटे वन टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स एमती आप रेटिंग स्केल हो चेकलिस्ट हो एनेक्डोटल रेकर्ड हो युवा मन रखिए बिले सब बेले गोटे परीक्षा पढ़ुच्छे आपंकर तो एनेक्डोटल रेकर्ड कौन बिले सर आपल एनेक्डोटल रेकर्ड हो गोटे वन टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरी आम कह शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आम गोटे पिलार तार जेकोसी गोटे आक्टिविटीज को सिग्निफिकेंट आक्टिविटीज को ऑब्जर्व कलापर गोटे शॉर्ट फॉर्म रे आम जो डिस्क्रिप्शन लिखुचे बेस्ड ऑन प्रॉपर ऑब्जर्वेशन आम कहे एनेक्डोटल रिकॉर्ड ठीक है ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑब्जर्व इंसिडेंट बेस्ड ऑन पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कि सर पिलार जेकोसी गोटे क्लासरूम हो आउटसाइड क्लासरूम भितर हो जहाँ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट गुड़ा सब घटू गोटे शॉर्ट स्टोरी आकार रे डिस्क्राइब करके लिखा आम कहे एनेक्डोटल रेकर्ड से एनेक्डोटल रेकर्ड पिले आप गोटे एग्जांपल दो देखते एग्जांपल देख रहे पिले जमीक आप कहवा जो आप एनेक्डोटल रेकर्ड टे बनाऊंजे गोटे इनसीडेंट घटू कि पिला खेलु बाहर कि पिला गोटे डिबेट पार्टिसिपेशन करो गोटे सिग्निफिकेंट इवेंट आप देखुं तार गोटे रेकर्ड आप बनई रखिए जो थे आप लिखे से पिलार ना कौन तार बयस कौन किए ऑब्जर्व करुस्तव आप ऑब्जर्व कर रहा डेट टाइम तार एज प्रत्येक तार बिहेवियर कौन कौन से कामटा करुच्ची गोटे कनक्लूजन सो यही प्रोसेस बहुत सारा फर्माट अच्छी मुझे गोटे सिंपल फर्माट आप कहली ए नंबर ऑफ फर्माट आपे जो थे पिलार जहाँ जहाँ सब इनसीडेंट गुड़ा घटी से गोटे शॉर्ट आकार रे मेंशन है कि रही है ठीक है पिले क्वेश्चन नंबर थ्री व्हिच इज द एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट आधर कौटा आपको लगुच पे गोटे ऑब्जेक्टिव टेस्ट रो एडवांटेज उपकारिता बोली
इट कैन बी मच मोर रिलायबल इन दर स्कोरिंग जेहेतु ऑब्जेक्टिव एटा फैक्ट बेस्ड तो एथरे आमे स्कोरिंग कला बेले आमे आपर निर्भर कर परिबा एटा रिलायबल इट इज इजी टू स्कोर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग जेहेतु ऑब्जेक्टिव आंसर गुडा कथाए तो आमे सहज रे को स्कोर कर परिबा एवं एते समय एथरे हमरो जीव नाही इट कैन सैंपल लार्ज एरिया ऑफ द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जो कंटेंट आम पढ़ाऊ पिला विषय वस्तु पाठ्य विषय वस्तु ये बहुत सारा पाठ्य विषय वस्तु को कवर अप कर पारिबो ठीक है एसे टाइप क्वेश्चन अपेक्षा बा सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपेक्षा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कर मैक्सिमम पोर्सन को शीघ्र कवर अप करदेव तो ये आप सब जगह हम पे कौन करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव आपको तीन टा पिला एडवांटेज दे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो गोटे आप रिलायबल हो पार बहुत कम समय भितर एक स्कोर करि परिबा एवं ये लार्ज कंटेंट एरिया को कवर अप करि परिबा ताले डिसएडवांटेजेस ता कोन होवार कोन कोन अपकारिता हबो इतर जेहेतु फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन उडा थाए पिला गेस करि परिबो अनुमान करि परिबो अनुमान करके लेखि दे पारे एटा मध्ये गोटे प्रकार डिसएडवांटेज चिटिंग मध्ये करि जा पुरा जाय पारे माल प्रैक्टिस करा जाय पारे इतर सहज रे इमेजिनेशन एंड रीजनिंग पावर आल्सो फॉल्स डाउन ड्यू टू लिमिटेड रिस्पोंस पिलार चिंता इमेजिनेशन रीजनिंग पावर धीरे धीरे कमिजी कारण पिला गोटे सिंगल सेंटेंस रे सिंगल वर्ड रे आंसर दे देव जो थे तरह इमेजिनेशन करवा तरह क्रिएटिविटी न्यू आइडिया जनरेशन करार एबिलिटी पिलार कमी जोटी ऑप्शन फाइव रे न्यू आइडिया इज टोटली डिस्टोर्टेड मेजरमेंट ऑफ हायर मेंटल एबिलिटीज इज नॉट पॉसिबल जो हायर मेंटल एबिलिटीज रहा मैं क्रिएटिविटी कथा कहे पिलार के क्रिएटिविटी अच्छी तो हॉर्स कथा कहे जहाँ जहाँ सब हायर ऑर्डर थिंकिंग गुड़ा रहा से गुड़ा एत भल भाव में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट आम मेजर करपाबिलिटी एंड टैलेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ड्यू टू मेकानिकल प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स माइंड आम जेहतु मेकानिकल गोटे प्रोसेस ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करदे केवल से जमी घोषिक कहू कि विभिन्न प्रकार वे रे आंसर देदेव जो थे तार आनालीटिकाल थिंकिंग हो विभिन्न प्रकार तार आबिलिटी पोटेंशियल कौन कौन अच्छी अन्यान क्षेत्र में से गुड़ा आम जानापी बहुत ही कष्टर तेणुक युवा है आपंकर गोटे गोटे कौन ना डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्वेश्चन नंबर फोर प्ले व्हाट इज द एम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आम जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करुचे तादरु गोटे आम लक्ष्य कौन पिले आंसर दे पिले ये आपंकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी पिले कॉम्प्रिहेंसिव अर्थ मुझे कही सर ये इनक्लूड्स बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज जोटा कह नॉन स्कोलास्टिक एरियाज तो ये आपंकर इट इवैल्यूएट्स द नॉन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट इट इवैल्यूएट्स द स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट ये दुटा आप ठीक अच्छे स्कोलास्टिक आप जो विषय वस्तुगत ज्ञान रहा जहाँ से विषय गुड़ाक पढ़ुचे कंटेन्ट एरियाज गुड़ाक से गुड़ा आसीज नॉन स्कोलास्टिक जहाँ सब तार रहा को करिकुलर एरियाज गुड़ाक जमीक नाच गीत विभिन्न प्रकार फिजिकाल आक्टिविटीज हो कि विभिन्न प्रकार तार एथिक्स भैल्यूज ये जिनस गुड़ाक को स्कोलास्टिक नॉन स्कोलास्टिक एरियाज भितर आसीज तो तेणुक आपंकर कॉम्प्रिहेंसिव इनक्लूड्स बोथ स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड एंड नॉन स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड क्वेश्चन नंबर फाइव पिले व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट टू ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी अथवा कोटा पिले ब्लूम्स रिवाइज्ड टैक्सोनॉमी अनुसार ठीक नुहे आंसर दे पिले पिले ब्लूम्स जानते डिस्कशन करते जो डोमेन थी टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव डोमेन साइकोमोटर डोमेन तो ये आप कॉग्निटिव डोमेन पचार कौटा रिभाइज सीरीज अनुसार रिभाइज टैक्सोनॉमी अनुसार ठीक नुहे पिले रिभाइज अनुसार कौन थी निमोनिक्स मुझे ना सर आप आर यू ए सी मन रखे आर यू ए सी एट रिभाइज अनुसार रिभाइज अनुसार कौन है आर रे कौन ना रिमेम्बरिंग रिमेम्बरिंग अच्छे ठीक अच्छे यू रे कौन ना यू रहा अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी ठीक अच्छे ए रे कौन ए अप्लाइंग ये देनी रिलेटेड पुणी आउ गोटे ए कौन ना आनालीसीस ये भी देनी छाड़ू इ रे कौन इवैल्यूएशन ये अच्छी सी रे कौन सी रहा क्रिएटिव तो ये देनी ये गोटे देखा नॉलेज नॉलेजा आपंकर रिभाइज सीरीज अनुसार नुहे नॉलेजा आपंकर पुराना जो ओल्ड टैक्सोनॉमी थी से तेणुक ये आप्रोप्रिएट नुहे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर खाली ये मन रखु कि सर ओल्ड जो रहा से कौन न्यूमोनिक्स कही के सी ए एएसई केर है नॉलेज सी रहा कॉम्प्रिहेंशन
एर है आप्लिकेसन एर है आनालीसीस एस है सिंथेसीस इे है इभालुएसन आउ जो आपर न्यू सीरीजा रहा न्यू टैक्सोनोमीटा रहा से कौन कह बोले ना आपणकर आर यू ए सी ठीक है आर है आप रिमेम्बरिंग यू है अंडरस्टैंडिंग एर है अप्लाइंग एर है आनालाइजिंग इे है इभालुएटिंग सी रे है क्रिएटिव आउ जो दुटा पिला कही मन अच्छी ना गोटे अफेक्टिव डोमेन रहा साइकोमोटर डोमेन अफेक्टिव डोमेन रो कौन कही सर्टकट मन रखे निमोनिक्स ना ये पहले मुझे मेनसन करदे ब्लूम्स टैक्सोनोमी रहा आपंकर ओल्डटा यहाँ न्यूटा रिभाइजा तो जो आउ जो कही पे कौन कर ना अफेक्टिव डोमेन आर आर भोक आज कहीदे आज नेक्स्ट क्लास मुझे न कहे आ गोटे तुम साइकोमोटर डोमेन इम्पान आर आर भोक कौन मन रखिए आर है कौन बिले ना सर रिसीविंग रेस्पोंडिंग वैल्यूइंग ऑर्गेनाइजिंग सी रहा कैरेक्टराइजिंग इम्पान रे कौन कही तुमको इमिटेशन मैनिपुलेशन प्रिसीशन आर्टिकुलेशन नेचुरलाइजेशन क्वेश्चन नंबर सिक्स बिले कंस्ट्रक्टिविज्म इज कंसीडर्ड एज आंसर बिले यहाँ गोटे प्रोसेस आम कहे या गोटे थीओरी भी आम कहे तेनालीरु ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर पिले जो संगठनवाद अप्रोच रहा पे गोटे अप्रोच भी आपड़ कहीपरेंगे ठीक है ये गोटे अप्रोच भी कहीपर उपागम भी या कहीपरेंगे ये गोटे अप्रोच गोटे थीओरी कंस्ट्रक्टिविज्म गोटे प्रोसेस क्वेश्चन नंबर सेवेन पिले अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट पाराडाइजिम लर्णिंग रेफर्स टू जो कंस्ट्रक्टिविज्म पाराडाइजिम अनुसार आम शिक्षण क्या रेफर करें नॉलेज एक्विजिशन नॉलेज रेस्पन्स एक्विजिशन नॉलेज कंस्ट्रक्शन नॉन ऑफ द भगवान सूत्र पिले बहुत ही सहज क्वेश्चन पिले ये आपंकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नॉलेज कंस्ट्रक्शन कि सर कंस्ट्रक्टिविज्म अनुसार जे लर्नर रहा सी एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे तार प्रीवियस नॉलेज प्रीवियस एक्सपीरियंस को आधार कर ठीक है तो तेणुक्र आपंकर नॉलेज एक्विजिशन को गुरुत्वारोप करना नॉलेज कंस्ट्रक्शन केमी पिला एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करापर गुरुत्वारोप कर क्वेश्चन नंबर एट पिले सीसी गिव्स एम्फासिस ऑन कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन क्या गुरुत्वारोप कर पिले ये आपंकर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होलिस्टिक डेवलपमेंट जो होलिस्टिक डेवलपमेंट आम कहे ऑलराउंड डेवलपमेंट आम कहे सामग्रिक विकास सर्वांगीन विकास आम कहे से आपंकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आसीजिव सोशल डेवलपमेंट आसीजिव इमोशनल डेवलपमेंट आसीजिव क्वेश्चन नंबर नाइन पिले सीसी इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज ऑफ सीसी को आम गोटे कहे कंटिन्यूअस प्रोसेस कहीं कहे पिले पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन टाइटा ये क्वेश्चन पे कवरअप करवा दरकार तुम मानक ये आपंकर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी पिले तुम्हें पढ़व मु तुमको सब कहूँ तुमने इग्नोर मटेरियल इ ज्ञान कोश मटेरियल भी पढ़व कारण आमको नॉलेज को गेन करार अच्छे बहुत किसी शिखबार अच्छे मटेरियल जो थ्रु भी हो जो नॉलेज मिली आम ट्राए करवा गेन करने से सीसी बढ़िया गोटे मटेरियल अच्छे डिफाइन कर कंटिन्यूअस को कौन डिफाइन करा पिले जो सी प्रथम सी रहा कहला रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट असेसमेंटा रेगुलर कर कंटिन्यूअल असेसमेंट कहुई जो थे से दुटा जिनस को इनक्लूड कला पे गोटे प्लेसमेंट आ गए फॉर्मेटिव मन रखी थे सी रे कंटिन्यूस कौन कौन तालोले आम जो पिला गोटे क्लास स्टार्ट करुचे से समय पिला प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करवापर कंटिन्यूसली आम कौन कर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करवा रेगुलर बेसिस रे फॉर्मेट इवैल्यूएशन करवा सीटा आपंकर कंटिन्यूअल असेसमेंट बा रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट गोटे सी गला कंटिन्यूस आउ गोटे कौन रहा सर ना पीरियडोसिटी ऑफ असेसमेंट आम कौन ना कि पीरियडा जो कंप्लीट आपंकर हम गोटे यूनिट आप सारे पिला असेसमेंट करेंगे तो ये आपंकर सी जो रहा प्रथम सी को डिफाइन करुला द्वितीय सीटा आउ कौन को डिफाइन करुला कंप्रेहेंसिव जो रहा सी मतलब दुटा जिनको इनक्लूड करुला गोटे आपंकर स्कोलास्टिक आ गोटे को स्कोलास्टिक एरियाज गोटे सब्जेक्ट जिनस को इवैल्यूएशन कर आ गोटे जहाँ सब अदर करिकुलर एक्टिविटीज रहा नाच गीत खेलकूद आसेस कर ठीक है तो जो सी रहा प्रथम सी है दुटा जिनस को इनक्लूड करुच्छी गोटे रेगुलरिटी कंटिन्यूअल ऑफ असेसमेंट
आउ गोटे को इनक्लूड करछि गोटे ला पीरियडिसिटी ऑफ असेसमेंट से बोले जो द्वितीय सीट आपन को रहला कॉम्प्रिहेंसिव से मतलब दुटा जन को इनक्लूड करछि गोटे ला स्कोलास्टिक एरिया आउ गोटे ला को स्कोलास्टिक एरियास। क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन दैट इनकॉर्पोरेट्स बोथ स्कोलास्टिक एंड नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन स्प्रेड ओवर द टोटल स्पैन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम स्टेटेड बाय एटा गोटे डेफिनेशन एटा आपको किए देते आंसर देते ये आपको पढ़ी मन रखिए एथे मत किसी बुझेबार ना ये आपको ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 पहले एनईपी गुडा आउ के आसा 1968 आपंकर फास्ट एनईपी आसला 1986 नेक्स्ट आपंकर 2020 ये दुटा को पढ़ला बेले तुम्हारों पाइली मतलब लगे दुटा इंपोर्टेंट बोली तथा टी आप खाली देखिए थे कठोरी कमिशनर इंडियन एजुकेशन कमिशन कौन 1964-66 रिपोर्ट है यह गोटे देखीदे यूनेस्को रहा कठोरी कमिशन रहा। क्वेश्चन नंबर 11 बिले हुज द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द स्कोप ऑफ स्कोलास्टिक एस्पेक्ट आदर कौटा आप स्कोलास्टिक एस्पेक्ट भितर आसूना जो मुझे आपको डिस्कसन करी बिले स्कोलास्टिक एस्पेक्ट मैंने कौन सर जो एस्पेक्ट केवल सब्जेक्ट स्पेसीफिक टॉपिक स्पेसीफिक आम कहे ठीक है ना करिकुलम स्पेसीफिक गुड़क आम कहे तो हिस्ट्री जियोग्राफी मैथमेटिक्स ये तो केवल आसगला स्कोलास्टिक इनक्लूड कौटा करनी आटीट्यूड्स एंड भैल्यू ये आपंकर कौन आसो ना को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट भितर आस्यूज हौ आप लाइफ स्किल्स हो आटीट्यूड्स हो म्यूजिक हो आर्ट डांस सिविक सेन्स डिसिप्लिन मेंटेनेंस हेल्थ हाइजेन ये आपंकर सब कौन आसो ना को स्कोलास्टिक नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट भितर ये से क्वेश्चन गुट पचारा जो तो फॉलोइंग इज नॉट कम्स अंडर कोस्कोलास्टिक एरियाज कोस्कोलास्टिक भितर कौटा आसब ना सब्जेक्ट बा टॉपिक आसब ना बा करिकुलर जो गुड़ा रहा आम कहे टॉपिक गुड़ाक से गुड़ाक इनक्लूडेड नुहे तो ये गुड़ाक आप इनक्लूडेड कौन कौन बोले लाइफ स्किल हो आटीट्यूड हो वैल्यूज हो गेम्स हो स्पोर्ट्स डांस हो म्यूजिक हो। क्वेश्चन नंबर 13 बोले असेसमेंट इज सेम एज इवैल्यूएशन असेसमेंट जहाँ इवैल्यूएशन से कि बोले आंसर दे रे ना सर केबे भी नुहे ऑप्शन बी आप करेक्ट आंसर फॉल्स कहीं नुहे पे आप मन पका गोटे कही गोटे स्ट्रक्चर करी प्रथम आप पा टेस्ट करापर तुम मेजर क्वांटिटेटिव डिस्क्राइब करी आसेस कर प्रोग्रेसीवटा देखुं प्रोग्रेसटा तापर आप वैल्यू जज कर इवैल्यूएशन एमती गोटे पीला टेस्ट मेजरमेंट आसेसमेंट आउ इवैल्यूएशन सो इवैल्यूएशन केवे आसेसमेंट सहित सामान नुहे इवैल्यूएशन टे ब्रडर आसेसमेंट जो प्रोग्रेस प्रोसेस को बेसी गुरुत्वारोप करुच्छे से इवैल्यूएशन आपंकर जजमेंट वैल्यू जजमेंट पर बेसी गुरुत्वारोप करुच्छे तो दुई तीन टा पॉइंट कह मन रखीदे आसेसमेंट आउ इवैल्यूएशन डिफरेन्स को नहीं असेसमेंट पहले फॉर्मेटिव इन नेचर तो असेसमेंट कथ आसो आप फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कथ माइंड को नहीं जी जो थे आम पिलार इम्प्रूवमेंट पिला आसेस करुचे इवैल्यूएशन कौन ना समेटिव इन नेचर जो थे पिला किसी वैल्यू जज करुचे किसी आम जो गोटे ऑब्जेक्टिव्स नहीं से ऑब्जेक्टिव्स आम अचीव है कि ना तार ऊपर आम गुरुत्वारोप करुचे यहाँ प्रोसेस ओरिएंटेड असेसमेंट कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड पिला कौन अचीव कला के शिखला कितु यहाँ कि तार प्रोग्रेस के कौन इम्प्रूव हो पार ओरिएंटेड यहाँ डायग्नोस्टिक इन नेचर कारण आमको पिलार जहाँ जहाँ प्रोब्लेम्स होती आइडेंटिफाई कर पुणी रिमेडियल प्रोवाइड करने चाहूँचे कारण यहाँ प्रोग्रेसिव ना इवैल्यूएशन कौन ना यहाँ जजमेंटल लास्ट को जहाँ ओवरऑल है आम गोटे जजमेंट प्रोवाइड करदे। क्वेश्चन नंबर 14 बिले इवैल्यूएशन इनवॉल्व विथ इवैल्यूएशन टा कास्ट जोड़ दे बोले आंसर दे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर इवैल्यूएशन हो गोटे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एटा वैल्यू जजमेंट तेनालीरु आप सब जगह करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 सीसी वाज इनिशिएटेड बाय जो कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को किए इनिशिएशन करता बोले एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एनसीईआरटी एससीईआरटी कोरे बिले के एटा आपन देछंदी ना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर सीबीएसई आपनकर जो रहिला हमें कहूचे सीसी सेटा को एनईपी 1986 बेसी प्रायोरिटाइज करथिला
स्कूल लेवल इम्प्लीमेंटेशन करने जोर देता पर आपंकर आरटी एक्ट 2009 मैंडेटरी करागला और ताको आधार कर सीबीएसई कौन कला अडॉप्ट करता इनिशिएशन कर क्वेश्चन नंबर 16 पिले द पर्पज ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन इज जो समेटिव इवैल्यूएशन आम करे तार पर्पज कौन पिले आंसर ऑप्शन नहीं पिला ग्रेड प्रोवाइड करवा नेक्स्ट क्लास को उत्तीर्ण करवा रैंक प्रोवाइड करवा पिला मैस्ट्रिक को चेक करवा कते टीचिंग नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स आम अचीव है सहीटा को आम देखा इफेक्टिवनेस को चेक करवा ये आप सब जगह हूँ कौन करेक्ट आंसर सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 के कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन हाज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर जो सीसी रहा कौथ इंट्रोड्यूस कर आंसर ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर असेसिंग द ग्रोथ ऑफ अ चिल्ड्रेन इन ऑल आस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी तर पर्सनालिटी डिफरेंट आस्पेक्ट रहा से आस्पेक्ट में कैसे तरह ग्रोथ होते विकास हो सब आस्पेक्ट को कवरअप करुला कौते ना सीसीटा आम सब कही ये हूँ सर्वांगीन विकास गुरुतर कर सामग्रिक विकास केवरअल डेवलपमेंट के हलिस्टिक डेवलपमेंट पिलार के कारण ये ट्राए करुँच सब्जेक्ट सहित करिकुलम सहित को करिकुलर आक्टिविटीज को आसेस करवा उचित क्वेश्चन नंबर 18 पिले हूँ तो फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीमेडियल टीचिंग रीमेडियल टीचिंग को आधार कर आपको लगुच कौटा मोस्ट अप्रोप्रिएट बोले आंसर दे पिले ये पे मोस्ट अप्रोप्रिएट बाछे आप सब जगह तो आपको ठीक लगुच तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर करेक्ट ना ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आम कह आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज एंड अप्लाइंग करेक्टिव मेजर्स पिले जो रीमेडियल रहा रीमेडियल टीचिंग आम कहीं करुचे आप क्लास पिला पाठ पढ़ाऊँ पाठ पढ़ला किसी ग्रुप अफ पिला लगे आपको बुझीपारना कि डिफिकल्टीज अच्छी डेफिसीयसी अच्छी आप ट्राए करेंगे जितेबाद से डेफिसीयसी को दूर करने आपड़े किसी स्पेशल बंदोबस्त करेंगे से किसी सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे से जो स्पेशियाली आप प्रोग्रामे बनाऊँ स्पेशलाइज टीचिंगटा अर्गानाइज करेंगे जो टीचिंग मध्यम पिला जहाँ डेफिसीयसी रहा डिफिकल्टीज रहा दूर करेंगे आम कह रीमेडियल टीचिंग ठीक है बोले कि सर रीमेडियल टीचिंग इज ए टीचिंग स्ट्राटेजी व्हिच एम टू रिमूव डेफिसीयसी और डिफिकल्टीज अफ द लर्नर तक आम आमित कहीपर कि ना सर ये हूँ गोटे स्पेशलाइज टीचिंग आप्रोच कि पिला जहाँ लर्णिंग डिफिकल्टीज रहा ओभरकम करने ऑब्स्टेकल्स को दूर करने गोटे सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम कहींपर आर दुटा मेजर एरिया पिला सपोर्ट दबा लर्णिंग डिफिकल्टीज को दूर करवा आउ गोटे कथा पिले जहाँ इनस्ट्रक्शनल अच्छी आम आम प्रोभाइड करते प्रपर वे करेक्ट करवा इनस्ट्रक्शनल करेक्टिवनेस क्वेश्चन नंबर 19 पिले हुज़ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम गोटे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम संगठनवादी रचनावादी श्रेणीगृह कौटा गोटे यादव वैशिष्ट्य नुहे पिले ऑप्शन डी पिले गोटे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे एक्विजिशन ऑफ नॉलेज बाय द लर्नर नुहे कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय द लर्नर तो ऑप्शन डी आप गोटे वैशिष्ट्य नुहे क्वेश्चन नंबर 20 पिले इवैल्यूएशन इज कंसर्न्ड विथ इवैल्यूएशन टा का सहित जड़ित आम कहे असेसिंग ग्रेड्स प्रमोशन टू हायर क्लास एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अटेन ऑल ऑफ द अबव आंसर दे पिले ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव पिले क्वेश्चन गुड़ाक भल से टे देखु जहाँ जहाँ डिस्कशन कर बहुत पिला कहे कि सर मे भी क्वेश्चन गुड़ाक बहुत आमको इजी लगुच सहज लगुच ठीक अच्छे पिले क्वेश्चन जब सहज लगुच गोटे सीरीज जब तुमने कहो कि क्वेश्चन टे टॉप लेवल था सब लेवल क्वेश्चन आम प्रिपेरेशन करके जा सिंपल मॉडरेट आउ टॉप लेवल जमीक एक्जाम को आम कौन से प्रकार डिफिकल्टीज डेफिसीयसी रहा समस्त को ऑल द वेरी बेस्ट भल से प्रिपेरेसन हूँ आम नेक्स्ट सीरीज करवा पे सब आपको कहे दुटार स्लाब सब अन्न को बाधे गोटे स्लाब ऑफ फेलियर आउ स्लाब ऑफ सक्सेस जदि आप एग्जाम फेल होता आपको जो फिजिकल पनिशमेंट दबार आहरी कठिन भाव में आपको बाधे दुख दब कारण एत बर्ष प्रिपेरेसन एत होप तेणुक फेलियर जमी न हो आप भलसे प्लानिंग करूँ आपन को समाज में कते लोग कहते
साथी कतु आरंभ कर एक्सपेक्टेशन थी केते अपवाद भी आपड़ सही थे जदि चाहूँगी से अपवाद जवाब देवाई आप सक्सेस पड़ो सक्सेस स्लाबा से मैं बाध फिजिकाली बाधवा ठार आहरी अधिक तेणुक आपको डिसाइड करा पड़ो फेल्युअर स्लाब निजे खाइबे ना सक्सेस स्लाब अन्न मानक देवे ठीक है बोले ऑल द वेरी बेस्ट प्रिपेयर वेल।